मेरा शेफ त्यागी एंड टुडे वी विल मेक कड़ा प्रसाद यानी कि आटे का हलवा। सो लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें बेसिक जो काम करना है वो यहाँ पर हमें करना है शुगर को डिसॉल्व। तो मैं उसके लिए यहाँ पर लूंगा 2 कप पानी। और 1 कप चीनी। रेशो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हमें दोनों को डिसॉल्व करना है। ध्यान रखिए चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ डिसॉल्व करना है। एक बार ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी ना, फिर इस पैन को मैं साइड में कर दूंगा। ये लीजिए, हमारी शुगर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गई है। अब मैं बंद कर दूंगा गैस को। तो देखिए रेशो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर जो चीनी घी और आटे का जो रेशो है ना, वो आपको लेना है इक्वल अमाउंट में, और पानी उससे दुगना। यानी कि जैसे मैंने 1 कप आटा लिया है, 1 कप घी लिया है और 1 कप शक्कर ली है, तो 2 कप पानी लूँगा मैं। एक्चुअली थोड़ा व्लॉगिंग का सेटअप लेना पड़ा बिकॉज मम्मी की थोड़ी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है, तो उनको परेशान नहीं करना चाह रहा था मैं। हेयर आई हैव टेकन अनदर पैन। अब इसमें मैं डालूँगा घी। ये लीजिए, ये गया देसी घी इसमें, और बाकी बचे हुए को मैं एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लूँगा। अब हमारा घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगा हमारा आटा। ये लीजिए घी यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा हमारा आटा। आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और ध्यान रखिए इसको अच्छे तरीके से भुनना है आपको आटे को, जब तक ये थोड़ा डार्क ब्राउन ना हो जाए। और आप यहाँ पर इलायची पाउडर या केसर, आपको कुछ भी फ्लेवरिंग एजेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भुनने की जो स्मेल होती है ना, वो इसमें पूरा कमाल कर देगी। जब आटा और घी एक साथ भुनता है ना, वो स्मेल बहुत खास होती है, तो आपको यहाँ पर इलायची पाउडर या केसर की कोई ज़रूरत नहीं है, और ट्रेडिशनली भी हम लोग डालते नहीं हैं। कीप स्टरिंग इट कंटिन्यूसली ताकि ये नीचे तल्ले से चिपके ना, और हमारा अच्छी तरीके से इवनली भुन जाए। देखिए एक बार ये स्लाइटली ब्राउन होना चालू हो जाएगा ना, इस स्टेज पे आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाना है, बिल्कुल रोकना नहीं है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही, सो मे बी चांसेस हैं कि ये थोड़ा जल जाएगा, इसलिए कृपया ध्यान रखिए। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है घी और इसके आटे की भुनने की। अब ये देखिए, ये अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसका जो कलर आना चाहिए था वो आ गया है। अब हमें इस स्टेज पे जो हमने शुगर को डिसॉल्व करा था ना, वो ऐड करनी है, लेकिन ध्यान रखिए आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए बिकॉज ये ऊपर आता है, तो स्लोली स्लोली ऐड करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये भाप से आपका चेहरे पे भी असर हो सकता है या थोड़ा हाथ पे भी, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा दूर होके डालिए। इसको हिलाते रहिए, कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है इस पॉइंट पे। धीरे धीरे हमारा जो आटा है वो पानी को सोक करता रहेगा और ये अपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म ले लेगा। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होना चालू हो गया है। ठीक है, अब एक बार अच्छे से पूरा पानी सोक कर लेगा ना, फिर मैं इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगा। ज़्यादा देर आपको ऐसे घुमाना नहीं है, तो ड्राई हो जाएगा ये। एक बार थोड़ा सा ऐसे छोड़ने लगे ना, ये थोड़ा सा घी छोड़ने लग जाएगा ये, और साइड से भी छोड़ने लग जाएगा पैन की। बस उसी स्टेज में आपको इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है या दूसरे किसी कंटेनर में। ये देखिए ये साइड छोड़ने लग गया, कैसे अच्छी तरीके से साइड छोड़ना चालू कर दिया ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कलर आया हमारा इसका। ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है, और वैसे भी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहला भोग हम भगवान जी को लगाएंगे। तो लेट मी शेयर यू माय स्टोरी। जब भी बच्चों ने पापा में मुझे गुरुद्वारा लेके जाते थे, तो मैं हमेशा, मेरा मोटिव यही रहता था कि कड़ा प्रसाद कब मिलेगा, पार्ट वर्ड सब खत्म होने के बाद मैं वेट करता था कड़ा प्रसाद का। तो जब वो कड़ा प्रसाद देते थे गर्म गर्म, मतलब आगे जो पार्टी जीते ना, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं पंडित जी होते हैं पुजारी होते हैं, वैसे ही गुरुद्वारे में पाठी जी बोला जाता है जो पाठ करते हैं, तो वो मुझे पहचानने लगे थे, तो मुझे ना वो ज़्यादा देते थे, छोटा सा बच्चा इतना सा, सो पसंद है खाना कड़ा प्रसाद, सो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना। सो कड़ा प्रसाद जब भी मैं हाथ में रखते थे तो गर्मा गर्म, और उसमें से घी गिरता था, लिटरली आपको बता रहा हूँ घी गिरता था, मतलब इतना दिल खोल के घी डाला जाता है उसमें।
सो यही थी आज की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ कड़ा प्रसाद घर पर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड हमेशा की तरह खाइए, बनाइए, मज़े करिए, खुश रहिए, खुश रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।